अस्सलाम वालेकुम, मैं बेंगलुरु गुलबर्गा हर एक जगह बताई हूँ, बताकर थक कर आप लोगों की गुजारिश के वजह से मेरे बच्चे का इलाज होने बोल के आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, मगर कहीं भी इंतज़ाम नहीं हो रहा बोल के आप लोगों को सुना रही हूँ मैं। मेरा बच्चा एक है इरफान अहमद, और बोले सो उसका कल्ला पूरा सड़ गए, और बोले सो मैं उसका इलाज करना चाह रहा हूँ, और बोले सो डॉक्टरों की कोशिश है कि कल्ला अच्छा हो जाता है बोले तो 2 से 3 लाख तक खर्चा आता बोल रहे हैं, आप मदद करें तो अच्छा हो जाता है, आपकी गुजारिश है। ये मेरे शौहर नहीं है, बच्चे के 4 बच्चे हैं, जो भी हो सके आप मदद करें तो बहुत अच्छा होगा। मेरे बच्चे को एक कल्ला पूरा ये ख़राब हो गया है, इसलिए उसके इलाज के लिए पैसा नहीं है, 4 बच्चे हैं घर में खाने के लिए, मेरे को कोई मदद नहीं कर रहा है, आप लोगों मदद करें तो बहुत शुक्रिया होता है आपका। बेंगलुरु बताई कि तो ये भी बताई, और बोले सो अभी यहाँ दूसरे जगह भी बता रहे हैं, हाँ शोलापुर में बताई बहुत इंजेक्शन वो गोलियाँ दे रही, हमारे से उतना हो रहा नहीं, इसलिए आपकी मदद चाहिए, हमारे कन उतनी गुंजाइश नहीं बोल को आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बच्चे के 4 बच्चे हैं, और बोले सो मेरे हाथ से जो भी चीज़ है अभी तक करी हूँ, अब इसके बाद में मेरा इंतज़ाम नहीं हो रहा, इसलिए आपसे गुजारिश करती हूँ कि कैसा भी करके जल्द से जल्द मेरे बच्चे का इंतज़ाम करो, और बोले सो तुम्हारे आप लोगों की शुक्रिया होती है। वीडियो पे फ़ोन नंबर डाले जाएगा, और बोले सो आप लोगों मदद कर दीजिए, शोहर भी नहीं है मेरा, एक ही बेटा है, मैं दुनिया की कोशिश करके आजू बाजू वाले उनसे हर जगह से लेकर पैसा खर्चा करी हूँ अभी तक, उसके बाद में अब मेरे हाथ से खर्चा नहीं हो रहा बोल को आप लोगों की गुजारिश से मेरे बच्चे का इलाज होने बोल के आपको दुआ देंगे।